अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रमदान का 27 डे है, देखते ही देखते सारे रमदान रोज़ा चला गया, तो हम बीच में नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि हमारे शामिर का जो है ना वो तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम जिसके चलते बहुत ही मतलब थोड़े टेंशन में थे, इसलिए हम नहीं डाल पा रहे थे। मेरा माइंड काम नहीं करता उस टाइम, तब मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। चलिए तो अब डाल पा रही हूँ मैं 27 रमदान अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब यहाँ पे हमारी अफ्तारी होने के बाद हम मीना बाज़ार जाने वाले थे, तो मीना बाज़ार जाने के बाद नाम क्या किया ना कि हमने बस दो ही शॉप से हमने सारे ड्रेसेस ख़रीद लिए, जो भी लेना था बस ले लिया, और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग में सारा कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें, मैं सारे ड्रेसेस आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो भी हमें ईद में लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जो है ना ये वेडिंग कलेक्शन जो है मीना बाज़ार में, तो वहाँ हम चले गए थे क्योंकि हमने कुछ बता हमें शामिर का कुर्ता लेना था, तो यहाँ पर सभी ने बताया कि यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सारे वेडिंग के ही कुर्ताज थे तो इसलिए हमने नहीं लिया। बट ये लोग बताए ना कि आप यहाँ पर लहंगा देख कर जाइए, कोई एक भी लहंगा देख ले, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया अपना एक बेज या गोल्डन कलर में, बहुत ही अच्छा सा वर्क हो रखा था, यहाँ देख सकते हैं पूरी भरी हुई वर्क है। और यहाँ इसके मतलब और भी कलेक्शन बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थे, ब्राइडल वाले भी थे या फिर लाइट मतलब आप जो लाइट लहंगाज होते हैं उस टाइप से भी थे, लेकिन इसकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी खासी थी। तो यहाँ तो ऐसे ही मिलेगा क्योंकि यहाँ मतलब जितने भी वेडिंग होते हैं ना वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं यहाँ के। तो ये जो आपको दिख रहा है ना इस ड्रेस की यहाँ पे प्राइस बताई गई है 2350 दिरहम, यानी कि इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए ना तो 50,000 के अराउंड मतलब आता है, 50,000 के अराउंड मतलब ये पड़ जाता है। तो आप सोचिए ये है 50,000 का लहंगा, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से हम अब चलते हैं, हमें शामिर का कुछ लेना था, तो हमें शामिर का यहाँ जो ट्रेडिशनल वेयर है ना दुबई का, तो ये हमें यहाँ दिखा रहे हैं करके कि ये किस तरीके का है। तो चलिए आप लोगों को इसका ब्लॉग ना मैं ईद में दिखाऊंगी कि कौन कैसा लग रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं, चलिए हम सारे मतलब घर आ गए हैं और सारे ड्रेसेस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि हमने क्या क्या लिया, हमने ए टू जेड आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी शॉपिंग। तो मेरे चैनल पे बने रहें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत ही तरह तरह के रेसिपीज़, ब्लॉग्स या फिर आने वाले दिनों में मैं कुछ भी जो भी ट्यूटोरियल वगैरह सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल पर बने रहें। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लिया। तो मैंने कुछ ना मेकअप की चीज़ें ऑनलाइन भी मंगाया था क्योंकि यहाँ मैं जाकर नहीं ले पाती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही मैंने कुछ मतलब थोड़ी बहुत बहुत सारी तो नहीं, कुछ भी जो ऑनलाइन मैंने मैंने अपने लिए मंगवाया था वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए अब यहाँ से मैं अपने ड्रेसेस शुरू करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है ना ये भी सारे मीना बाज़ार की ही ड्रेसेस है, और यहाँ देख सकते हैं ये मैं पूरा खोलकर आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे काम अभी मेरी बहुत पेंडिंग बची हुई है, तो मैं बस आप लोगों के लिए ना जल्दी जल्दी वीडियोस बना रही हूँ। तो ये बस आप लोगों देख लें कि ये बेज कलर में मतलब सिंपल सोबर सा मैंने ड्रेस लिया है, ये पाकिस्तानी सूट है। हाँ बस उसके बाद मैं एक और ड्रेस ली हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, जब एक जब मेरा हल्का सा कलर हो गया ना तो मैं थोड़ा सा डीप कलर भी एक चाह रही थी, तो यहाँ देख सकते हैं ये मरून है, रेड नहीं है, ये मरून है डार्क में, तो ये स्मॉल साइज है ज़रूर, लेकिन मतलब मुझे आ गया अभी मैं थोड़ी सी हेल्थ मेरा हो गया है तो इसलिए मुझे नहीं हो पा रहा है आजकल, तो चलिए कोई बात नहीं, ये वाली ड्रेस मुझे आ गई। तो ये चिकन वाला जो ड्रेस होता है ना, चिकन वर्क होता है वो है, तो इसके बहुत सारे वहाँ पे कलेक्शन थे। तो इसका एक पैंट है और यहाँ पे दुपट्टे में भी सारा वर्क किया हुआ है इस तरीके की चिकन वाली ही, और शिफॉन में दुपट्टा है। तो यहाँ बस इतना हो गया मेरी शॉपिंग, मैंने दो ही लिया बस। और उसके बाद ये देखें मेरे हस्बैंड के लिए पाकिस्तानी कुर्ता है, ये है पठानी, तो जुनैद जमशेद जो ब्रांड है उनकी है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये हमने लिया अपनी मदर इन लॉ के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सूट पीस, तो हमें काफ़ी पसंद आया, इसकी कलर काफ़ी अच्छी है, गाजर कलर की है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही देखने में भी अच्छी है, और कपड़ा की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो ये हमें भेजना था उन्हें लेकिन हम नहीं भेज पाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं हम जब फिर से जब इंडिया जाएंगे तो हम उन्हें के लिए लेकर जाएंगे सारे। तो बस मैं आप लोगों के साथ मतलब जितने भी वीडियो मतलब जितने भी मैंने चीज़ें ली ना बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमने अपनी ननद यानी कि सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने लिया है, तो यहाँ देख सकते हैं, बताइएगा मुझे
कि आप लोगों को कौन कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके की वर्क की गई है। ये भी पाकिस्तानी सूट है और हमने वही शॉप से लिया है। तो इसमें थोड़ी मतलब इस तरीके की सीक्वेंस में और जरी का वर्क किया गया है बटन में भी, और कलर बहुत ही प्यारा है, ग्रीनिश और ग्रे की कलर के जो मिक्स होती है ना, वो है। शिफॉन में दुपट्टा है जो कि कॉन्ट्रास्ट में है। और अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारे प्रिंस आमिर का ड्रेस है, जुब्बा है हमने लिया है यहाँ पे, जो कि ट्रेडिशनल वेयर है। और यहाँ पे कुछ हमने टी शर्ट्स लिए उसके, और एक शर्ट लिया है, बस ये हमने इतना ही लिया। और उसके बाद मैं आप लोगों को और भी दिखाने वाली हूँ, तो मेरी इस वीडियो में ना बने रहें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जो भी चीज़ ले लूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी शॉपिंग कर लिया है और अब सिर्फ ग्रॉसरी की ही बाकी है, क्योंकि घर पर कुछ बनाना है ना जब ईद की, तो वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। तो अब ईद किस दिन होने वाली है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तो ये वीडियो तब तक अपलोड हो चुका रहेगा। तो मैं चांद रात की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए यहाँ मेरा ऑनलाइन जो है शॉपिंग हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, तो मैं कुछ सर्च करी थी कि पिंक के शेड में मुझे मिल जाए, तो यहाँ मिल चुका है। और इसकी एक मजे की बात बता देती हूँ कि इसके अंदर ना एक कंसीलर भी मिल जाता है, तो कंसीलर ठीक था, मैं लगा कर भी देखी, बहुत ही अच्छा है। तो ये ब्रांड जो है ना अलशियर ब्रांड है, अब पता नहीं उतना तो मैं नहीं सुनी हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इधर की होगी तो अच्छा ही है, देखने में तो काफ़ी अच्छा है, क्यूट सा पैकेजिंग भी है, तो यहाँ देख सकते हैं, है ना। और चलिए अब इसके बाद मैंने यहाँ लिया है लॉरियल का इनफॉलिबल 32 आवर्स फ्रेश वेयर। पहले कुछ मतलब पहले आया था ना इसका एक एडिशन जो कि 24 आवर था, ये अब 32 आवर्स है। चलिए देख लेंगे इसे लगा कर भी कि ये कैसा है। तो ये हमने लिया था डे टू डे से लिपस्टिक, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसा है, दिखा देती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा शेड है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कुछ लाइट वगैरह के चलते, है ये मरून में, मतलब बहुत ही डार्क मरून नहीं, बट यहाँ पता नहीं वीडियो में रेड क्यों लग रहा है, पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। तो ये है नेल पॉलिश जो कि बहुत ही प्यारी सी शेड में है। और यहाँ देख सकते हैं ये मैंने इयररिंग्स लिया है, बहुत ही सिंपल सोबर सा। और ये है बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर मैबलिन का, जो कि है प्राइमर, प्राइमर के बिना आपका मेकअप अधूरा है। और क्यों है उसका भी मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ प्राइमर्स के मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी, रिव्यू ट्यूटोरियल या फिर व्लॉग्स या फिर कुकिंग रेसिपीज़, बहुत सारे व्लॉग मैं अभी भी आगे वाले दिनों में डालती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि ईद खत्म होने के बाद मैं नहीं डालूंगी, मैं बिल्कुल डालूंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मैं लगा कर आप लोगों को दिखा दी हूँ, लेकिन मैं डिटेल वाला मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करूँगी। एट लास्ट ये है ना मेहंदी, यानी इसके बने या तो ईद कम्प्लीट ही नहीं होती है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा ब्लॉग खत्म होता है, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।